KTM लवर्स होंगे जिनको 200 पसंद है, आप कमेंट करके बताइए ये आपको अपडेट अच्छे लगा कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राइडोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीजें करते रहो यार। सो गाइस, जिन्होंने भी कमेंट किया था कि मेरे लास्ट वीडियो पे, मतलब लास्ट के मतलब उसको काफी टाइम हो चुका, करीबन 11 महीने हो चुके जो मैंने 250 का वीडियो डाला था, सब लोग उसके अंदर जो है कमेंट कर रहे थे कि जो ओल्ड जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन ड्यूक है, वो वापिस आनी चाहिए। एंड काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 250 आनी चाहिए, 200 आनी चाहिए। तो इसी के लिए सो आज वीडियो उसी से रिलेटेड है कि न्यू 200 जो है अभी लॉन्च हो चुकी है अक्टूबर से, एंड उसके अंदर काफी अच्छा अपग्रेड किया हुआ है। एंड ज्यादा डिफरेंस है नहीं, काफी जितना मैंने चेक किया कि अराउंड 5000 का ही डिफरेंस है। तो वो काफी अच्छा अपडेट आया हुआ है मेरे सामने है। ये आप देख सकते हो, ये KTM Duke 200 ही है, बट इसके अंदर जो है काफी सारे फीचर्स अपडेट हुए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मोस्टली जो TFT डिस्प्ले जो दिया गया 5 इंच से था, वो चीजें दी गई है। एंड सुपर मोटो ABS एंड ऑल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस। तो सीधा हम लोग आते हैं TFT डिस्प्ले के बारे में। अपडेट हुआ है इसके अंदर। अगर आप बाइक को अगर आप पूरी तरह से देखोगे तो ये सामने पूरी जो है वही लुक है जो काफी लोगों को पसंद आई हुई है। ये लुक जो उसका बोलते हैं ना कि एकदम शार्प लुक है, वो जो काफी लोगों को पसंद आया हुआ है। मगर जो मेजर चीज अपडेट हुआ है आप उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 5 इंच का जो है ग्लास को जो डिस्प्ले दिया गया है, जो ऑब्वियसली 390 जो जनरेशन 3 है ड्यूक, उससे ही लिया हुआ है। एंड कुछ इस हिसाब से उसका जो है आपको TFT डिस्प्ले दिखाई देता है। सो एंड प्लस आपको जो यहाँ पे टॉगल बटन्स भी दिए गए, ये भी पूरी तरह से चेंज किया गया है। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये जो पूरा जो कंसोल जो है पूरी तरह से चेंज किया है। यहाँ पर आपको जो नेविगेशन बटन दिए गए हुए जो इल्यूमिनेटेड बटन है। एंड प्लस इसके अंदर अभी जो है आपको हैजार्ड भी मिलता है। पहले जो जनरेशन 200 थी उसके अंदर आपको हैजार्ड नहीं आता था, तो अभी जो है 200 में भी हैजार्ड आ गया। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ तो डिस्प्ले कुछ इस हिसाब से ऑन होता है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हुए हैं, सो मैं आपको एक एक करके सब बताना चाहूँगा। सो सेम टू सेम 390 का ही डिस्प्ले है। एंड अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बताऊँ, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले आता है। यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा मोड है, ABS मोड कौन सा चल रहा है वो। एंड यहाँ पे आपको पेट्रोल का मीटर मिल जाता है कि कितना है एंड टोटल कितने किलोमीटर्स हुए। यहाँ पर आपको जो है कुछ आपके हिसाब से आप जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कंसोल किलोमीटर्स कितना हुआ है, बैटरी का मीटर कितना है, एंड यहाँ पे ट्रिप कितना हुआ है वो। एंड यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पे टेलटेल लैंप्स पूरे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पर अभी ABS दिख रहा है। एंड अगर आप ऑफ करोगे तो ABS ऑफ भी दिखता है। तो हम लोग जो है अंदर जाते हैं, देखते हैं, लेट्स सी के देखते हैं कि कैसा है उसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पर जैसे ही ओपन करोगे तो इसमें अभी जो है ऑप्शन आपको मिल गया है कि आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अंदर अभी सुपर ABS मोड भी आ गया है, जैसे कि अभी ABS ऑन है। सो दोनों डायस के ABS ऑन है, तो जैसे आप आपको जो है इसको स्विच करते हो रोड से सुपर मोड ABS में जाते हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ABS ऑफ हो गया। तो यहाँ पे भी लिख के आता है, अगर मैं कैमरा नजदीक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिख के आया है कि रेयर अभी ऑफ हो गया। तो पीछे का जो ABS ऑफ हो गया, आगे का ABS ऑन है। सो हम लोग इसको वापस इसको नॉर्मल रोड पे कर देते हैं। तो जैसे हम करेंगे तो ये अभी रोड मोड पे, तो दोनों ABS ऑन हो गए। एंड अगर बाकी और फीचर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बाइक के इन्फो के बारे में दिया हुआ है कि बाइक का सब कुछ यहाँ पे जो है, जो आपको हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसका सर्विस एंड ऑल, बैटरी एंड ऑल, ऑडोमीटर सब कुछ। सो अगर हम लोग नीचे ट्रिप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी जो है ट्रिप का ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फो मिल जाता है, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 आपके हिसाब से सेट कर सकते हो जैसा आपको सेट करना है वो। एंड प्लस जैसे ही हम लोग जो है नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है कि आपके हिसाब से जो है फेवरेट जो है सिलेक्ट कर सकते हो, फेवरेट 1, 2, 3 जो जो आपको चाहिए, जिस तरह से आपको बाहर जो शॉर्टकट दिख रहा था वो सेट करने के लिए। यहाँ पे आप क्विक शिफ्टर सेट कर सकते हो, कनेक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, कनेक्टिविटी में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। जिस तरह से अभी ये ब्लूटूथ ऑन है क्योंकि 1000 है, बट आपको शिफ्ट लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ अभी फिलहाल न्यूट्रल पे, एंड जैसे मैं इसको एग्जॉस्ट देता हूँ, तो फिलहाल जब आप नॉर्मल रहोगे तो कुछ होता नहीं है, बट जैसे ही आप हाई RPM पे जाते हो तो पूरा जो है डिस्प्ले जो आपका रेड हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर लगी मेरे को ये कि सॉरी कि आप हाई RPM पे रहोगे तो पूरा जो है मीटर रेड हो जाएगा। सो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है इसके अंदर। एंड अगर हम लोग वापस जो है अगर मेन्यू के अंदर जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है क्लॉक सेट कर सकते हो आप,
एंड प्लस यहाँ पे आपको जो है किलोमीटर जो है ऑब्वियसली इंडिया में तो किलोमीटर्स में ही गिना जाता है। सो अगर आपको माइल्स में चेक करें तो माइल्स में किलोमीटर जो है किलोमीटर, टेम्परेचर जो है आपको जो है सेटिंग, सो ये सारी जो है चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी दिए हुए हैं, जब आप राइट कनेक्ट से करेक्ट करोगे तो आप भी उसको यूटिलाइज करोगे। इसके अंदर आपको जो है नेविगेशन भी मिल जाता है, प्लस यहाँ पर जो है नेविगेशन जो है अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं, इसके लिए हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको जो मिल जाता है, तो ये एक फीचर्स जो है इसके अंदर भी आ गया। सो इतनी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए हैं एंड जस्ट 5000 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस आपको अभी इसके अंदर जो है आपको हैजार्ड भी मिलता है, मैं आपको हैजार्ड ऑन करके दूंगा। सेम फीचर है यहाँ पे, सेम आपका यहाँ पे हैजार्ड का बटन है, जैसे आप बताओगे तो हैजार्ड ऑन हो गया। अगर आप आगे आके मैं चेक करूँ तो ये हैजार्ड है। एंड सेम फीचर इसके अंदर दिया है, अगर मैं जो है बाइक ऑफ भी कर देता हूँ, चाबी भी निकाल देता हूँ, तो भी जो है हैजार्ड ऑन ही रहेगा। आई थिंक इसको ऑफ करना होगा, तो ये जो है इससे ऑफ नहीं होता, उसके लिए ऑफ करने के लिए आपको जो है चाबी यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जैसे वापस अगर मैं इसको ऑन करूँ एंड कुछ सेकंड के बाद अगर मैं जैसे इसको बंद करूँ तो ये बंद हो जाएगा। सो ये अभी हैजार्ड का फीचर भी जो है अभी जो है 200 के अंदर आपको आ गया है। इसके अंदर आपको जो है तीन कलर्स आपको मिल जाते हैं। सो ये जो सामने आपको कलर दिख रहा है वो डार्क गैल्वानो कलर है, इसमें आपको जो मेटालिक ग्रे भी मिलता है एंड प्लस आपको जो है इलेक्ट्रिक ऑरेंज, जो ऑब्वियसली KTM इज ऑरेंज, तो इलेक्ट्रिक ऑरेंज भी आपको मिलता है। एंड अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात कर लूँ, मैं यहाँ पर वसई में हूँ पालघर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर जो है जूनी जो KTM ड्यूक आती थी उसका जो प्राइस करीबन था 236,000 था। एंड अभी सिर्फ जो है इतने सारे अपग्रेड, यानी कि जो TFT डिस्प्ले एंड आपको जो हैजार्ड मिल जाता है एंड आपको सुपर मोटो जो है ABS मोड मिल जाता है, प्लस टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है। सो इतने सारे फीचर्स के साथ में ओनली 5000 का डिफरेंस में है जो है ये करीबन जो है 242,000 में आपको जो है ये ऑन रोड प्राइस में आती है। सो काफ़ी बोलते ना कि सिर्फ 5000 का डिफरेंस, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया गूगल पे, ये जो डिस्प्ले करीबन जो है 13,000 से 14,000 का जो है अलग से डिस्प्ले इसको मिलता है। सो इतना प्राइस नहीं, बट सिर्फ 5000 का डिफरेंस में इतना अच्छा अपग्रेड आया हुआ है। सो काफ़ी अच्छा है। आपको ये अपग्रेड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड जितने भी जो है KTM लवर्स होंगे जिनको 200 पसंद है, आप कमेंट करके बताइए ये आपको अपडेट अच्छे लगा कि नहीं, कि आप जिस हिसाब से आपको जो इंतज़ार कर रहे थे कि ये वाला मॉडल आना चाहिए, तो ये मॉडल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है राइडियोग्राफर तुषार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, अच्छी चीज़ें करते रहो यार। थैंक यू।